नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही खास प्रोडक्ट। असल में ये कोई जड़ी बूटी तो नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग आयुर्वेद और होम्योपैथिक दोनों में होता है। इसके अलावा आप इसे एक सौंदर्य वर्धक के रूप में यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमें अचानक से हो जाती हैं, जैसे कि हमारे कान में दर्द, समय पर उनका इलाज नहीं मिले तो हमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। पुराने ज़माने में इसका प्रयोग सुनार लोग अपने जो आभूषण हैं उनको चमकाने के लिए करते थे। आज भी इससे मंजन भी बनाए जाते हैं, इसमें क्रेविंग करके तरह तरह की कलाकृतियां बनती हैं, और जो इसका बहुत खास प्रयोग है वो वास्तुशास्त्र में भी है। तो आज बात करेंगे हम समुद्री फेन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूं आपका जड़ी बूटी परिवार में। दोस्तों समुद्री फेन जो होता है वो किसी तरीके से कोई समुद्री झाग नहीं होता, ये एक एनिमल प्रोडक्ट है। होता क्या है कि समुद्र में एक जीव पाया जाता है, एक मछली पाई जाती है जिसे कैटल फिश कहते हैं। जब ये मछली मर जाती है तो ये सतह पर तैरने लगती है, तो जो भी इसके शरीर का मांसल भाग है वो अन्य जीव खा लेते हैं। इसके बाद जो पूरी हड्डी है वो समुद्र की सतह पर तैरने लगती है, और जब ये बहुत सारी हड्डियाँ एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो ये दूर से देखने में ऐसा लगता है कि जैसे झाग हैं, इसलिए इसे समुद्री फेन, समुद्री झाग इन सब नामों से जाना जाता है। और जब ये हड्डियाँ या ये समुद्री झाग समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आ जाते हैं तो मछुआरे इसे इकट्ठा करते हैं, और इसका प्रयोग तरह तरह से किया जाता है। आयुर्वेद के कई नुस्खों में इसका प्रयोग है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में इसका प्रयोग है, होम्योपैथिक की एक बहुत फेमस दवा सीपिया ऑफिनेस में इसका प्रयोग होता है। दोस्तों इसका जो मैं सबसे पहला प्रयोग आपको बताना चाहूँगा वो उन लोगों के लिए है कि जिनकी बढ़ती उम्र के साथ त्वचा लटकने लगती है, तो इसको दूर करने के लिए, अपनी त्वचा में कसावट लाने के लिए वो समुद्री झाग का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। आप एक चम्मच की मात्रा में नींबू का रस लें और आधा चम्मच समुद्री झाग को घिसके उसका पाउडर बना लें, आधा चम्मच वो समुद्री झाग डालें और उसमें 3 या 4 बूंद गुलाब जल की मात्रा डाल दें। जब आप इन्हें आपस में मिलाएंगे तो एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। इस पेस्ट को रात को सोते समय आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें और उसे रहने दें। जब आप सुबह उठें तो उसे सादे पानी से धो दें और किसी नर्म कपड़े से, किसी नर्म तौलिया से अपने चेहरे को धीरे धीरे पोंछ लें। अगर आप इसका नियमित प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आपके चेहरे पर त्वचा लटकने लगी थी, चाहे आपके डबल चिन होने लगी थी, तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और आपका चेहरा न सिर्फ कसा दिखेगा बल्कि आप पहले के मुकाबले और जवान दिखने लगेंगे। और दोस्तों बात करते हैं कान दर्द की। कान दर्द की एक खास बात है कि कान दर्द अक्सर हमें रात में ही उठता है, जब हमें ना तो कोई मेडिकल स्टोर खुला मिलता है या फिर ना कोई डॉक्टर। तो उस समय में हम क्या कर सकते हैं, हम समुद्री झाग का पाउडर लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला लें और उसकी 2 बूंद अपने कान में डालें। अगर आप इस तरीके से समुद्री झाग का प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे आपको कान दर्द में तुरंत लाभ मिलता है। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर आपके बाल किसी भी तरीके से रूखे हैं या फिर वो टाइम से पहले ग्रे हो रहे हैं या उनमें आपको बेजान फील देते हैं, 2 मुंह होने लगे हैं, तब आप इसका प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप समुद्री झाग का पाउडर बना लें और उस पाउडर को दही के साथ मिलाएं। दही के साथ मिलाने के बाद आप उसे अपने बालों की जड़ों में उंगली के पोर्वों के सहायता से अप्लाई करें, 20 मिनट तक रहने दें, उसके बाद आप उसे धो दें। आप इसका जब रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे न सिर्फ आपके बालों का टूटना बंद हो गया है, जो उनके सिरे 2 मुंह हो गए हैं जिसे हम स्प्लिट एजेस कहते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा घने और चमकदार फील देंगे। आप समुद्री झाग का प्रयोग करके अपने बालों को ज़रूर मजबूत बनाएं, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाते हैं। और दोस्तों इसका अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है। ऑयली स्किन देखने में ही खराब लगती है, और उसका दूसरा जो बड़ा नुकसान है, उन स्किन वाले लोगों को मुहासों की समस्या भी और लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप एक बड़ा चम्मच चंदन पाउडर लें, उसमें आधा चम्मच नीम का पाउडर मिलाएं, 1 छोटा चम्मच तुलसी पाउडर मिलाएं और 1 चम्मच मिलाएं आप उसमें समुद्री झाग। इस रेशियो में आप इन सब चीज़ों को मिलाकर आप एक एयर टाइट कंटेनर में उसे रख लें। जब भी आपको इसका प्रयोग करना है तो आप 1 चम्मच ये मिक्स पाउडर निकालें और उसमें जो भी कोई ताज़ा फल अवेलेबल हो उस फल का रस ले लें, आप इसे उसके साथ मिलाकर पेस्ट बना लें। और यदि किसी वजह से आपके पास ताजे फल की उपलब्धता नहीं है तो आप इसमें गुनगुना दूध मिला सकते हैं। आप इन दोनों चीज़ों को मिलाइए और एक फेस पैक बना लीजिए। इस फेस पैक को आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें, 15 से 20 मिनट लगे रहने दें और फिर उसे सादे पानी से धो दें।
इसका प्रयोग आप अल्टरनेट डेज पर करें, मतलब एक दिन लगाएं, फिर एक दिन नहीं, फिर एक दिन लगाएं। और दोस्तों जब आप इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगे तब आप देखेंगे ना तो आपकी स्किन पहले जैसी ऑयली है, आपकी स्किन कोमल भी हो गई है और काफ़ी चमकदार भी हो गई है। इस तरीके से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों चलते चलते इसका एक बहुत खास फायदा, इसका महत्व वास्तुशास्त्र में भी है। दोस्तों घर से नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए और घर में सुख शांति के लिए भी वास्तुशास्त्र इसको रिकमेंड करता है। इसके लिए आप क्या करें, जब भी आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो एक चम्मच की मात्रा में ये समुद्री नमक आप पानी में मिला दें और इसके बाद अपने घर में पोछा या मॉपिंग अप्लाई करें। वास्तुशास्त्र इसको बहुत ज़्यादा समर्थित करता है, तो आप भी इसका ऐसा प्रयोग कर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं कि जड़ी बूटी परिवार द्वारा किया गया ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।